हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीक स्टडी प्लेटफॉर्म। तो आइए दोस्तों, आज प्रोनाउन चल रहा था, प्रोनाउन में आज हम यूज ऑफ इट पढ़ेंगे, ईट का प्रयोग पढ़ेंगे। किट का प्रयोग कहाँ होता है, इससे क्वेश्चन आता है तो दिक्कत हो जाता है, बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं कि इससे क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, वो अब मैं सब क्लियर कराऊंगा। ईट से रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम होता है मैं सब क्लियर कराऊंगा आपको, और इसके साथ थ्योरी तो बताऊंगा, इसको टिक भी बताऊंगा कि इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, किसके साथ ईट पर ईट का प्रयोग होता है, मैं इसको टिक भी बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। चलिए आइए आज कुछ नया सीख लेते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या लिखा है, यूज ऑफ इट। क्या लिखा है दोस्तों, यूज ऑफ इट मतलब ईट का प्रयोग लिखा है। तो इसमें आप क्या करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, किट का ईट मतलब होता क्या है दोस्तों, ईट मतलब सिंपली से यह होता है। ईट मतलब क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो ईट का पहला प्रयोग, दूसरा, तीन प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, इसी में सब क्लियर हो जाएगा। ईट का सब प्रयोग इसी में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि ईट को कैसे लर्न किया जाता है, कैसे किस ट्रिक से आप लर्न करके रह सकते हैं, क्योंकि इतना थ्योरी तो आप लर्न नहीं कर सकते, ये दिमाग में बस रहेगा, लेकिन ईट को ट्रिक बता दूंगा उससे कैसे लर्न करते हैं। आइए देखिए, पाला देखिए, पाला क्या है, जानवर, एनिमल्स, निर्जीव पदार्थ, नॉन लिविंग थिंग्स, देश, कंट्री एंड शिशु, बेबी के लिए यूज होता है। किसका यूज होता है, तो ईट का यूज होता है। किनके किनके लिए, एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग्स, कंट्री और बेबी, छोटे बच्चों के लिए भी यूज होता है। चाइल्ड का लीजिए, छोटा शिशु का लीजिए, उसके लिए यूज होता है किसका, ईट का। अब आइए देखिए क्या होता है, फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो आपका क्या रहा है, फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे तो कह रहा है अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, इट इज अ सुपर पावर, इसके पास सुपर पावर है, या सुपर पावर रखता है, ये कह सकते हैं सुपर पावर रखता है या इसके पास सुपर पावर है। अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज अ सुपर पावर। तो यहाँ पे देश के लिए यूज हुआ है, किसका यूज हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे जो सब्जेक्ट है ये क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट कंट्री है, कंट्री का नाम है, और इसी सब्जेक्ट के लिए आप यहाँ पे प्रोनाउन यूज होता है, सब्जेक्ट के लिए ही प्रोनाउन यूज होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं अमेरिका ये डेवलप्ड कंट्री लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आप दोबारा नहीं लिख सकते हैं अमेरिका ये सुपर पावर, यहाँ पे दोबारा नहीं लिख सकते हैं। तो इसी अमेरिका जो सब्जेक्ट है इसी को डिनोट करने के लिए आपको बताया थे प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, तो नाउन के स्थान पे होता है, अमेरिका आपका नाउन है, इसी के स्थान पे प्रोनाउन का यूज किया गया है, इट्स आपका प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन में आता है। तो ईट क्या हो गया, कंट्री के लिए यूज हो गया, इतना कोई दिक्कत नहीं, ये क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंड वाले चलते हैं, सेकेंड वाले देखिए बहुत ईजी है, इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा, बस समझते जाइए देखते जाइए। टाइम, समय, वेदर, मौसम, टेम्परेचर, तापमान, डिस्टेंस, दूरी तथा प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। किसके लिए, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स क्या होता है, एक्सप्रेस मीन्स होता है अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है, ईट का यूज किया जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो ईट का यूज होता है वो इम्पर्टिट ईट होता है, क्या होता है, तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो ईट का यूज होता है क्या होता है, इम्पर्टिट, मतलब आप देखिए टाइम के साथ, वेदर के साथ, टेम्परेचर के साथ, डिस्टेंस के साथ, या प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए ईट का जो ईट यूज होता है वो इम्पर्टिट होता है। अब इम्पर्टिट होता क्या है दोस्तों, इम्पर्टिट ईट ये होता है कि जिस ईट का कोई सेंस ना हो, वो बस यूज किया जा रहा है कि उनको एक्सप्रेस कर सके, उनको सेंटेंस को कंप्लीट कर सके, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए ईट का यूज इसमें हो रहा है। इनके साथ ईट का जो यूज होता है उसका कोई सेंस नहीं निकलता, उसका अर्थ निकलता ही नहीं, उसका अपना अर्थ नहीं होता है, वो इम्पर्टिट होता है, मतलब खाली होता है। तो इसमें इम्पर्टिट ईट का प्रयोग हो गया। अब आते हैं दोस्तों इसको बताने पर, एक ध्यान से देख लीजिएगा, जो ईट का प्लूरल होता है, ईट आपका सिंगुलर है, जो ईट का प्लूरल होता है दे, इसको ध्यान में रखिएगा, जो ईट का प्लूरल होता है वो होता है दे। तो दो कंफर्म हो गया कि ईट इंपर्टिट कहां होता है, टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस और प्राकृतिक घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इम्पर्टिट। आपको इम्पर्टिट पूछा था, बता देंगे पेपर में आएगा तो आपको उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और दे इम्पर्टिट का क्या, ईट का क्या है दोस्तों, प्लूरल है दे, ईट का प्लूरल है। अब आइए देखिए, ईट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। तो यहाँ पे जब दोस्तों देखेंगे ईट का जो यहाँ पे सेंस है कोई नहीं है, बारिश हो रही है या यह बारिश हो रही है, नहीं, या ईट का सेंस ही नहीं निकलता है। ईट इज रेनिंग जब कहेंगे तो यह बारिश हो रही है, नहीं यह बारिश नहीं हो रही है, तो यह का सेंस नहीं निकलता है। इट इज मॉर्निंग, यह मॉर्निंग है या सुबह है, नहीं यह सुबह नहीं है, सुबह है बस कहते हैं, जब सुबह है कहते हैं तो इट इज मॉर्निंग कहते हैं, तो वहीं पे आप इम्पर्टिट ईट का कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इट इज अ विंटर, ठंडी का मौसम, ठंडी है या ठंडी है, या नहीं कहते हैं ठंडी है, जब ठंडी है तो ठंडी को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए यहाँ ईट का प्रयोग किया गया, रैन को अभिव्यक्त करने के लिए, रैन को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ ईट का प्रयोग किया गया है। ईट का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, आप देख रहे उच्चारण करके देख लीजिए, इसका ईट का अर्थ नहीं निकल, इसलिए आप इम्पर्टिट ईट का यूज हो गया। चौथे में कह रहा है, इट इज सिक्स ओ क्लॉक,
छः बजे हुए हैं, तो क्या छः बजे हुए? यह छः बजा है, यह छः बजा है, सेंटेंस गलत होता है, बोलने में भी गलत लग रहा है कि यह छः बजा है, यह छः नहीं होगा। जब यह छः नहीं होगा तो यहाँ पे जो यह है ईट का जो सेंस है वह यह है, और जो यहाँ पे ईट का सेंस है वो क्या है? इम्पर्टीट है, यहाँ कोई सेंस नहीं है, तो कन्फर्म हो गया, इतना दिक्कत नहीं होगा। इम्पर्टीट का यूज होता है, ये भी बता दिए कि ईट का कब यूज होता है, कन्फर्म। थर्ड का आइए, थर्ड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। कह रहा है इन्फिनिटिव जेरंड एंड क्लॉज के बदले में, इन्फिनिटिव जेरंड एंड क्लॉज के बदले में किसका यूज किया जाता है? इट का यूज किया जाता है, देख लीजिए कैसे एग्जांपल में देख रहे हैं। कह रहे हैं इट इज इजी टू सॉल्व इट, इट इज इजी टू सॉल्व इट, यहाँ पे आप देख रहे थे इट इज इजी टू सॉल्व इट, यहाँ पे जो आ गया क्या है दोस्तों, ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव वर्ब हो गया, देखिए इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव के साथ इसके बदले में इट का प्रयोग किया गया है इट। आइए देखिए सेकंड सेकंड एग्जांपल में देख ले, सेकंड एग्जांपल में क्या कर रहा है, इट इज सैड दैट वर्चू इट इज इट ओन रिवर्स, यहाँ पे आप देखेंगे इट इज सैड दैट, यहाँ पे आप जेरंड या क्लॉज के बदले में किया जा सकता है, इट इज सैड दैट वर्चू इट इज इट से यहाँ जो इट हुआ यूज हुआ क्लॉज के बदले में यूज हुआ है ओन रिवर्स, क्लियर हो गया। अब आप देख लीजिए किसके साथ किया जाता है, तो निर्जीव वस्तु आ जाए, देश आ जाए, शिशु आ जाए, उसके साथ आप आर्टिकल का यूज कर देते हैं, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब आते हैं टिक के द्वारा, टिक ध्यान से समझिएगा, टिक क्या है? अपना परिचय किसी को बताने के लिए इट का यूज किया जाता है, इट इज मी, इट इज मी, अपना परिचय बता रहे हैं, इट इज मी, इट इज मी, किसी को अपना परिचय बताने के लिए इट का यूज किया जाता है। टिक उसमें होता है कि किसी से पूछने के लिए, किसी को उसके बारे में पूछने के लिए जो यूज किया था उसके लिए भी इट का यूज किया जाता है, किसी से उसके बारे में जानने के लिए जो यूज किया था उसके लिए इट का यूज किया जाता है। इट की आपको क्लियर होगा, मैं कोशिश किया समझाने के लिए, वीडियो को देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत ही सीखिए, लेकिन अच्छे से सीखिए, ज्यादा एक दिन में, मान लीजिए एक दिन हम पूरा प्रोनाउन खत्म कर देते हैं, अगर एक दिन हम पूरा प्रोनाउन खत्म करें तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, और आपको जब समझ में नहीं आएगा तो आप बोरिंग लगने लगेगा वीडियो, आप बोरिंग लगे तो छोड़ के चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको भी, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। ज्यादा अगर एक दिन में पढ़ा दे, मान लीजिए हम एक दिन में तो पूरा प्रोनाउन खत्म कर सकते हैं, लेकिन जब एक दिन पूरा प्रोनाउन खत्म करें तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या फायदा? जिस बात को, जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, वही प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, जब वही प्रॉब्लम हम लोग के सामने क्रिएट होने लगे दोबारा परीक्षा में जाके, तो क्या फायदा उससे पढ़ने का? कोई फायदा नहीं बनता है। थोड़ा बहुत ही पढ़िए, एकदम दिमाग में बैठाते जाइए, एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, और धैर्य कभी मत खोइए, धैर्य खो देंगे तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत पढ़िए, लेकिन एग्जैक्ट पढ़िए, उसको एकदम क्लियर करते जाइए। दोस्तों अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मोटिवेट मिलता है, और मैं अच्छा से अच्छा कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आया कि नहीं, और आपको टॉपिक ये पसंद आया कि नहीं। अगला बार मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, इसके नेक्स्ट वीडियो में आप जब आएगा वीडियो मिलेगा आपको, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ मिलेगा, और जल्दी प्रोनाउन का लगभग पोर्शन खत्म कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि इसमें पर्सनल प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटिव पता, दो तीन प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको जो पर्सनल जो प्रोनाउन के भाग बचे उसको मैं बता दूंगा। ये आपके लिए दो चार दिन दस दिन और चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से वीडियो देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा सीखिएगा ताकि हर बच्चे के पास पहुंच सके। तब के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।